हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी 2024-2025 वार्षिक परीक्षा के लिए धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं, यूपी बोर्ड ने आपका पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन कर दिया है हिंदी विषय का। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी विषय का पाठ्यक्रम का जो मासिक विभाजन है जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा कर दिया गया है आपके शैक्षिक सत्र 2024 और 2025 के लिए। यानी अब आपको कब क्या पढ़ना है, कौन कौन से पाठ किस महीने में पढ़ने हैं, कब क्या तैयार करना है, कब आपकी परीक्षाएं होंगी अर्धवार्षिक और वार्षिक, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मैं आपको देने वाला हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं आप सभी लोग जुड़ जाएं चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा अपने सभी इष्ट मित्रों में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा हिंदी विषय की। यहाँ पर इस चैनल के द्वारा आप हिंदी विषय की तैयारी कर पाओगे और सामाजिक विज्ञान विषय की भी धुआंधार तैयारी कर पाओगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड के द्वारा जो मासिक विभाजन किया गया है हिंदी विषय का उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले अप्रैल माह जो कि बीत रहा है, इस माह के अंतर्गत आपको हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसके अंतर्गत आपको भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग के बारे में पढ़ना है और हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, केवल भक्ति काल यानी हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत आपको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को पढ़ना है और हिंदी पद्य के विकास के अंतर्गत केवल और केवल भक्ति काल को ही पढ़ना है अप्रैल माह के अंतर्गत। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने पाठ यानी प्रकरणों की संख्या कितनी है, 2 पाठ पढ़ने हैं और हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य का इतिहास के अंतर्गत है ये सब, तथा आपको कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ को पढ़ना है और बात जो कि प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया पहला ही हिंदी गद्य का पाठ है। प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कबीर दास जी के द्वारा रचित जितनी भी साखियां हैं उससे से संबंधित आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, कबीर दास जी के सभी साखियों का संदर्भ प्रसंग और बिल्कुल आसान व्याख्या की वीडियो मौजूद है, आप लोग देख पाओगे। और बात शीर्षक पाठ को भी मैंने पढ़ाया है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मई माह के अंतर्गत आपको मंत्र शीर्षक पाठ जिसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी, इस पाठ को पढ़ना है। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जिसके रचनाकार हैं रैदास जी, इसको भी आपको पढ़ना है। और पदावली शीर्षक पाठ जिसके रचयिता कौन है, मीराबाई जी हैं, इस पाठ को भी पढ़ना है। संस्कृत के अंतर्गत पहला ही पाठ है जिसका नाम है वंदना शीर्षक पाठ, इसको भी आपको मई माह के अंतर्गत ही पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मंत्र शीर्षक पाठ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पदावली शीर्षक पाठ मीराबाई जी के द्वारा रचित है और संस्कृत खंड का वंदना शीर्षक पाठ, सभी से रिलेटेड वीडियो क्रमशः आप देख पाओगे चैनल की प्लेलिस्ट में। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको क्रमशः वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप अपनी वीडियो के माध्यम से आसानी से अपनी नोट्स भी बना पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम मासिक टेस्ट जो कि एमसीक्यू पर आधारित होगा मई माह के अंतर्गत ही कराया जाएगा, जैसा कि यूपी बोर्ड ने पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन किया है उसके अनुसार। जून माह में ग्रीष्मावकाश है अर्थात जून माह में छुट्टी है, इसके बाद जुलाई माह में आपको पुनः पढ़ाई स्टार्ट कर देना है और इस माह के अंतर्गत आपको एकांकी का स्वरूप, एकांकी के तत्व, एकांकी के प्रकार,
एकांकी का उद्भव और विकास और काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आपको रस छंद अलंकार पढ़ना है। संस्कृत खंड का जो पाठ है सदाचारा और पुरुषोत्तमः रामः, ये दोनों पाठों की वीडियो चैनल पर पहले से ही मौजूद है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं वीडियो और अपनी नोट्स भी कवर कर सकते हैं। दीपदान जो कि एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा लिखी गई, इस पाठ को भी मैंने क्लियर पढ़ा दिया है और इससे संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं उन प्रश्नों का बिल्कुल आसानी से उत्तर बता दिया है। आप वीडियो देखना चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं और यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय मासिक टेस्ट जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा जुलाई माह के अंतर्गत ही करा लिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगस्त माह में हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना, वर्तनी तथा विराम चिन्ह से संबंधित आपको पढ़ना है हिंदी व्याकरण में, और दोहा जो कि कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ है जिसके वीडियो आप देखना चाहें तो चैनल पर पहले से ही मौजूद हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, एक एक दोहे की व्याख्या बिल्कुल सरल तरीके से बताई है, आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएगी, आप वीडियो देख सकते हैं। गुरु नानक देव जो कि लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, इस पाठ को भी आपको अगस्त माह के अंतर्गत पढ़ना है। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है, पंचवटी मैथिली सरल गुप्त जी के द्वारा रचित है, और इसी माह में यानी अगस्त माह में ही मेरे प्यारे बच्चों प्रथम आंतरिक मूल्यांकन भी कराया जाएगा। यहां पर आप सभी लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दोहा शीर्षक पाठ की वीडियो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। प्रेम माधुरी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है, और पंचवटी शीर्षक पाठ मैथिली सरल गुप्त जी के द्वारा रचित है। इस पाठ से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं किसी भी पद्यांश की, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन भी अगस्त माह में कराया जाएगा। इसके बाद यूपी बोर्ड के अनुसार सितंबर माह में मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत खंड में सिद्ध मंत्र शीर्षक पाठ को पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि एवं समास, शब्द रूप, धातु रूप, पुनर्मिलन शीर्षक पाठ जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है, और गिल्लू जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। और मैं आपको बता दूं हिंदी की मैं आपकी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, यदि आप चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो हिंदी की 100% की तैयारी मेरे जिम्मे है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक एक चीज की मैं नोट्स आपकी कंप्लीट करा दूंगा हिंदी विषय की और सामाजिक विज्ञान विषय की भी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तुरंत और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्रों में शेयर कर दें ताकि आप सभी को पता चल सके कि 2025 की वार्षिक परीक्षा के लिए आपको कौन कौन से पाठ कब पढ़ने हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह का जो है आपको अपनी पढ़ाई का निर्धारण करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान देंगे अक्टूबर माह में आपको संस्कृत खंड का सुभाषितान, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पाठ को मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, इसके अंतर्गत जितने भी श्लोक हैं आप कंप्लीट नोट्स देख सकते हैं, अब वीडियो के द्वारा आप अपनी कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं। परमहंसा रामकृष्ण इस पाठ को भी आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं, चैनल पर वीडियो मौजूद है। संस्कृत में अनुवाद करना सीखना है आपको अक्टूबर माह में, और पत्र लेखन से भी संबंधित वीडियो चैनल पर मौजूद है। हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची एवं लोकोक्तियां अक्टूबर माह के अंतर्गत आपको पढ़ना है। स्मृति जो कि श्री राम शर्मा जी के द्वारा लिखा गया पाठ है, इस पाठ को भी आपको अक्टूबर माह के अंतर्गत पढ़ना है। दान जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है, और अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन भी, अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन कब होगा, अक्टूबर माह में ही कराया जाएगा जैसा कि यूपी बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया
पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन है उसके अनुसार मेरे प्यारे बच्चों नवंबर माह में पथ की पहचान जो कि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित है और निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका कालेलकर जी के द्वारा रचित है, सोहन लाल द्विवेदी उन्हें प्रणाम, जो कि आप लोग ध्यान दीजिएगा उन्हें प्रणाम जो शीर्षक कविता है सोहन लाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित है, और अच्छा होता केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित है, ठेले पर हिमालय सोहन लाल द्विवेदी यहां पर लिखा है जो कि मिसप्रिंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, आप लोग ध्यान दीजिएगा धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ है, इस पाठ को आपको नवंबर माह में पढ़ना है। तोता जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है, और लक्ष्मी का स्वागत एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा रचित है, काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आपको रस छंद और अलंकार नवंबर माह के अंतर्गत ही पढ़ना है। और मेरे प्यारे बच्चों तृतीय मासिक टेस्ट आपका होगा एमसीक्यू पर आधारित, यह होगा नवंबर माह के अंतर्गत ही। मेरे प्यारे बच्चों दिसंबर माह में आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत खंड में कृष्णः गोपाल नंदनः, इस पाठ का कंप्लीट वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। संस्कृत व्याकरण एवं पत्र लेखन से संबंधित आपको पढ़ना है दिसंबर माह में, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम नए मेहमान जो कि उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा रचित है, सीमा रेखा एकांकी विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित है, दिसंबर माह में आपको पढ़ना है, और बादल को घिरते देखा जो कि नागार्जुन जी के द्वारा रचित है, इस कविता को भी आपको दिसंबर माह में ही पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों चतुर्थ मासिक टेस्ट जो कि होगा वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित, और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन भी दिसंबर माह में ही कराया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जनवरी माह में आपको यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा युगवाणी जो कि शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा रचित है, संपूर्ण पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति भी जनवरी माह में ही करा दी जाएगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा जनवरी माह में संपूर्ण पाठों की पुनरावृत्ति यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम जितना भी आपका पाठ्यक्रम है उसका रिवीजन भी जनवरी माह में ही करा लिया जाएगा, और वार्षिक गृह परीक्षा का आयोजन भी संभवतः जनवरी माह में ही होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा आपकी वार्षिक परीक्षा यूपी बोर्ड के द्वारा जो पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन किया गया है 2024-2025 के लिए, इसके अनुसार हिंदी विषय में आप लोग ध्यान दीजिएगा आपकी वार्षिक गृह परीक्षा का आयोजन कब होगा, वार्षिक गृह परीक्षा का आयोजन जनवरी माह में करा लिया जाएगा, फरवरी माह में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा, और मार्च में छात्रों के परीक्षा फल का वितरण हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था यूपी बोर्ड के द्वारा सत्र 2024-25 के लिए पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन, कक्षा 9 के विद्यार्थी जितने भी हैं हिंदी विषय जिन बच्चों ने ली है आप सभी का मासिक विभाजन मैंने बता दिया है, यूपी बोर्ड ने कैसे क्या पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन किया है, और आपको पता चल गया है कि कौन से पाठ किस महीने में पढ़ने हैं, कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दें, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के साथ जुड़कर आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं हिंदी विषय की कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।